हदीस नंबर 5498। हजरत उरवा बिन जुबैर और फातिमा बिनते मंजर बिन जुबैर बयान करती हैं कि हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा ने हिजरत की तो उस वक्त वह हामिला थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हो उनके पेट में थे। वो कुबा में पहुंची तो हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो पैदा हुए। वो उस बच्चे को घुट्टी देने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बच्चे को लिया और अपनी गोद में रख दिया, फिर खजूरें मंगवाई। रावी फरमाते हैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, हम खजूरें मिलने से पहले कुछ देर तलाश करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खजूरों को चुबाकर उस बच्चे के मुंह में लुआब डाल दिया तो उस बच्चे के पेट में सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक पहुंचा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे पर हाथ फेरा, इस हक में दुआ की और इसका नाम अब्दुल्ला रखा। फिर जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो 7 या 8 साल के हुए तो हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हो के हुक्म से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ताकि आप दस्ते हक परस्त पर बैत करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर उनको बैत किया।